सेवेंथ क्लास, आज हम करेंगे पैसेज। पैसेज बेटे आपने अभी, आपके लिए ये न्यू टॉपिक होगा, आपने मे बी सिक्स क्लास में ये ना किया हो। ये क्या होता है, हमें एक पैरा दिया होता है और क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके साथ ऑप्शंस दिए होते हैं, उसके आंसर हमने उस पैरे में से देखने होते हैं। जैसे आप हिंदी में भी करते हो, पैरा दिया होता है और उसके क्वेश्चन आंसर आप ढूंढते हो, ऐसे ही इंग्लिश में पैसेज होता है, या इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं और आंसर्स आपने खुद ढूंढने होते हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अच्छे से इसको समझना है। जैसे हम फर्स्ट पैसेज करते हैं, टू किटन्स गॉट अ लार्ज लॉयफ ऑफ ब्रेड, दे वर वेरी हैप्पी बट दे कुड नॉट डिवाइड इट इक्वली बिटवीन देम सेल्व्स, दे स्टार्टेड फाइटिंग, देन दे वेंट टू देयर मदर कैट टू डिवाइड द लॉयफ, द कैट वॉज क्लेवर, शी डिवाइडेड द लॉयफ इंटू थ्री पीसेज, शी गेव टू पीसेज टू ईच of them and kept one for the future. Both kittens enjoyed the bread happily and again started playing. After some time, they were again hungry and to their surprise, their mother again gave them some bread which made them happier. इसको आप अपनी नोटबुक पे तो पूरा लिख लोगे पैसेज को, पर अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये पैसेज आता है, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है। आपने फर्स्ट लाइन लिख सकते हो, फिर आपने डैश डैश या फुल स्टॉप डाल के लास्ट वाली जो देम हैप्पियर लिखा हुआ है मैंने, आपने देम हैप्पियर लिख देना। पूरा पैसेज कोई बच्चा पेपर में नहीं लिखेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ, व्हाई वर द टू किटन्स हैप्पी, साथ में ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिकॉज दे गोट अ बोन, क्योंकि उन्हें बोन मिली थी, बिकॉज दे गोट अ टॉय, क्योंकि उन्हें टॉय मिला था, बिकॉज दे गोट अ माउस, बिकॉज दे गोट ए लॉयफ। अब अगर जिन बच्चों को पैरा समझ आ गया, वो तो ढूंढ लेंगे आंसर। टू किटन्स गॉट अ लार्ज लॉयफ ऑफ ब्रेड, उनको क्या मिला था, लॉयफ ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज दे गॉट अ लॉयफ ऑफ ब्रेड। ऑप्शन के आगे भी हम टिक कर सकते हैं और साथ में हमने जब आंसर लिखना है, तो जैसे ये डी वाला ठीक है, डी लिख के फिर उसका आंसर आपने लिखना है। आप ऐसे नहीं करोगे कि ए पे टिक कर दिया, बी पे टिक कर दिया, दोनों पे टिक कर दिया, तो हमें नहीं समझ लगेगा आपने किस पे टिक किया। इसलिए जो ऑप्शन ठीक होगा आपने उसी पे टिक लगाना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, हुज हेल्प डिड द किटन टेक टू डिवाइड द लॉयफ, किटन ने किसकी हेल्प ली उसको डिवाइड करने के लिए, मदर कैट, मदर कैट की हेल्प ली, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मदर कैट। ये हमें बेटा पैसेज में दिया हुआ है, बट दे कुड नॉट डिवाइड देम सेल्फ, दे स्टार्टेड फाइटिंग, दे वेंट टू देयर मदर कैट टू डिवाइड द लॉयफ, किसके पास गए थे, मदर कैट के पास, तो आंसर हमारा मदर कैट आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, द किटन स्टार्टेड डैश आफ्टर ईटिंग ब्रेड, किटन ने ब्रेड खाने के बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे ही है आंसर, हैप्पीली एंड अगेन स्टार्टेड, बोथ किटन्स इंजॉयड द ब्रेड हैप्पीली, उन्होंने ब्रेड खाई एंड अगेन स्टार्टेड प्लेइंग, और फिर से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इन हाउ मैनी पीसेज द कैट डिवाइडेड द लॉयफ, कितने पीसेज में जो कैट ने मदर कैट को बुलाया था, उसने कितने पीसेज में जो ब्रेड लॉयफ था उसको कितने पीसेज में काटा, टू पीसेज, फोर पीसेज, थ्री पीसेज, फाइव पीसेज, आंसर क्या होगा, थ्री पीसेज, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसेज में हमें दिया हुआ है, शी डिवाइडेड द लॉयफ इनटू थ्री पीसेज। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी पीसेज डिड द किटन्स ईट, किटन्स ने कितने पीसेस खाए थे, हर एक किटन ने, वन पीस, टू पीस, थ्री पीस एंड नन, टू पीसेस। तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आंसर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पैसेज को अच्छे से समझना है और उनके आंसर देने हैं। ये आपने कॉपी पे करना है, कॉपी में आप इस पूरे पैसेज को लिख लोगे और साथ में जैसे मैंने पैटर्न बताया है, ये पैटर्न भी आपने लिखना है, ताकि जब आपके पेपर होने हैं आप इसको भूल लो ना। पेपर में कोई बच्चा पूरा पैसेज नहीं उतारेगा।